वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, रम है तो हम है, ये है सीरीज। और इस सीरीज में मैं बैक टू बैक ओल्ड मॉन्क राम के साथ कॉकटेल बना रहा हूँ। और आज मैं बनाऊंगा गिरिनिम्बा। गिरिनिम्बा मतलब करी लिप्स, करी पत्ता, जिससे आज मैं ओल्ड मॉन्क के साथ कंबाइन करके एक फैंटास्टिक कॉकटेल बना के दिखाऊंगा। तो टाइम ज्यादा ना गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये सब लगेंगे आपको इस कॉकटेल को बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ड्रिंक एंथुसियास्ट देन यू मस्ट जॉइन आवर 10 डेज ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चलिए मिलते हैं कोर्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको पहले चाहिए एक फैंटास्टिक ग्लास इस कॉकटेल को बनाने के लिए। तो मैंने ओल्ड फैशन ग्लास चुन लिया, कोई भी ग्लास आप चुन सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग गिरिनिम्बा को देंगे। गिरिनिम्बा मतलब करी लिप्स को मैं दूंगा। तो एक करी लिप्स मैं ले लूंगा और इसका जितना ही पत्ता निकलता है उसी को मैं अंदर में डाल दूंगा, अराउंड 5-6 पत्ता। और ये बाकी सब रख देंगे, ये सब गार्निश में काम आएगा, तो रख देते हैं। करी लिप्स देने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे जिंजर। तो ये लीजिए, मैं जिंजर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से चॉप्ड जिंजर है, देखिए मैं काट के रखा था बारीकी से। तो ये चॉप्ड जिंजर आपको बस ज़्यादा नहीं, ये 3-4 दाना लेना है और अंदर में डाल देना है बस। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मडल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक मडलर। अगर आपके पास मडलर नहीं है तो आप जो घर में जो रोटी बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो ले लीजिए, उससे भी काम चलेगा। तो इसको अच्छा करके मडल कर दीजिए। इसमें क्या होगा, करी लिप्स का जो फ्लेवर है और जिंजर का जो खुशबू है वो निकल के आएगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा करके मडल कर दीजिए। उफ, करी लिप का क्या सुगंध है। अब इस कॉकटेल में हम लोग डालेंगे अपना पसंदीदा रम को। जी हाँ, ये है वो रम। रम है तो हम है। 45 ml देंगे, ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं चाहिए, थोड़ा हल्का रखेंगे कॉकटेल को। तो 45 ml, आप अगर चाहें तो 60 ml भी डाल सकते हैं। ये 45 ml का एक पेग मेजर है, तो मैं 45 ml ओल्ड मॉन्क डाल दिया। अब रम देने के बाद इस कॉकटेल को बैलेंस भी तो करना है, और बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा लेमन जूस को यूज़ करता हूँ या लाइम जूस को यूज़ करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी स्क्वीज करके रखा था लाइम जूस, और ये लाइम जूस मैं दूंगा 15 ml। तो चलिए 15 ml लाइम जूस पोर कर देते हैं। ये आ गया लाइम जूस। अब सब कुछ ऐड करने के बाद एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कैरामल सिरप। और मैं मैथ्यू टेसायर का कैरामल सिरप यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास ये सिरप नहीं है तो कोई फिक्र नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शुगर सिरप यूज कर सकते हैं, बट मैं कैरामल सिरप यूज़ करूँगा। इसमें एक कैरामल नोट ऐड करेगा। आप तो जानते ही है कि ओल्ड मॉन्क में कैरामल ऑलरेडी रहता है, तो मैं उस कैरामल को और भी थोड़ा एनहांस कराऊंगा ये कैरामल सिरप डाल के। मैं दूंगा 15 ml, बट आप बेफिक्र होकर शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। बट एक खरीद कर रख लीजिए, बहुत काम आता है कभी भी कॉकटेल बनाने के लिए। अच्छा, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। सब कुछ दे दिया मैंने, काफ़ी बहुत अच्छा मतलब खुशबू आ रहा है। अभी ये करने के बाद आपको देना है लॉट्स ऑफ आइस। तो ये लीजिए, मैंने आइस दे दिया। अब इसमें हम लोगों को बैलेंस करना है सोडा या स्प्राइट से। याद रखिएगा, यहाँ पर कैरामल सिरप है, शुगर है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप इसको टॉप अप कर सकते हैं सोडा से। अगर आपको मीठा पसंद है, जैसे कि मुझको बहुत मीठा पसंद है, तो मैं यूज़ करूँगा स्प्राइट या सेवन अप, कुछ भी चलेगा। तो मेरे पास सेवन अप है, मैं सेवन अप डाल दूंगा। जैसे कि आपको मैंने बताया, सोडा भी आप डाल सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो। इसको टॉप अप कर दीजिए, ये हो गया आपका कॉकटेल रेडी। और यहां पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है। ओके, सो कॉकटेल बनके तैयार है। अब इसमें गार्निश, और गार्निश में आप कुछ यूनिक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी गिरिनिम्बा है, कॉकटेल का नाम है, मतलब
करी लिप्स है, आप करी लिप्स का पत्ता देकर गार्निश कर सकते हैं, बट मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊंगा अपना कॉकटेल को, तो इसलिए मैं एक फ्लावर दे दूंगा, ये जो चमेली है इसको मैं दे दूंगा ऐसे ऊपर से ऐसे करके। ये देखिए कितना फैंटास्टिक लग रहा है ना। अब इसमें एक स्ट्रॉ डाल के टेस्ट भी कर लेंगे कि कैसा बना है। ऑफ कोर्स अच्छा होगा क्योंकि मैं तो बेस्ट कॉकटेल बनाता हूँ, आप ही लोग बोलते हो ना। अमृत और कुछ है उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा बना है ये कॉकटेल। अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ये कॉकटेल बनाइए और सबको हैरान कर दीजिए। बहुत अच्छा ये कॉकटेल बना है, ये है गिरिनिम्बा। होपफुली ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।